अस्सलामुअलैकुम प्यारे बहन भैया, जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, हंसते और मुस्कुराते रहो फूलों की तरह। उम्मीद करते सब ठीक ठाक होंगे अल्लाह के फजल करम से। हम भी ठीक हैं, घर वाला भी सब ठीक है। जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शफा अता फरमाए, जो औलाद है अल्लाह पाक उनको नेक सालेह औलाद दे। माशाल्लाह से शाम का व्लॉग जो है हमारा स्टार्ट हो चुका है, तेरा नाम हमारे साथ। हाँ गन्ना खा, ये लो गन्ना खाओ। मीठा है, मीठा है, मुझे तो दो गन्ना, तो दो नहीं देना गन्ना, तो दो मुझे। हाँ हाँ मुझे दो, मुझे दो गन्ना, दो ओ दे 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 गन्ना, तो दे दे अक्सा गन्ना, तो दे। ओ नो, नीचे गिर गया, अब ना उठाओ। तो कमरे में जो है ना पहुंच चुके हैं, तो टोकरी भी मैंने उठा दी है, ये देखे यहाँ रखी है। और जो है ना फ्रिज से लेते हैं हम, यहाँ से लेते हैं गोभी, और ये हो गया टमाटर, लाइट जाना चली गई है, आप जाना हो गया अंधेरा। आ चुके हैं सब्जी लेकर, क्या लिया है? आलू। आलू कितने किलो? आधा किलो। आधा किलो जी, सही है, क्योंकि गोभी जो है ना हमारे रखी हुई है, ये देखें मैं ले आई हूँ फ्रिज से। तो अब जो है आधा किलो आलू भी हमारे आ गए हैं, तो इसको जो है ना काटना स्टार्ट करते हैं। तो जब जो है ना पकाएंगे इंशाल्लाह शेयर करें। तो माशाल्लाह से गोभी जो है ना मैं लेकर आ चुकी हूँ, इसे जो है ना पहले काट लेती हूँ गोभी, तो बाद में जो है ना आलू को वाश करके उसको जो है ना बाद में काटूंगी, क्योंकि उसके ऊपर सारी जो है ना ये देखे मट्टी है, रेत है सारी, ये देखे इसको वाश करूंगी तो बाद में जो है ना ये कटाई होंगे, ये सारी रेत जो है ना हाथों पर चल जाएगी, फिर कैसे जो है ना काटूंगी। तो माशाल्लाह से गोभी जो है ना मैंने अच्छे तरीके से काट लिया है, और जो है ना मैंने सोचा टमाटर भी साफ रखे थे ना आलू के, इस पर भी जो है ना रेत चढ़ गई है, ये भी वाश कर लेती हूँ, और जो है ना आलू भी इसे अच्छे तरीके से धोती हूँ। तो फिर जो है चलूँगी किचन में, तो पकाना स्टार्ट करूँगी इंशाल्लाह, शेयर करूँगी, रहना है हमारे साथ। तो माशाल्लाह से आलू को वाश कर लिया, आप जो है इसका कलर चेक करें कैसा प्यारा हो गया लाल कलर का, ये देखो बहुत ही प्यारे। आप जो है ना चलते हैं इनको छील के, फिर जो है काटते हैं। क्या हुआ? जल्दी से चले आलू छील के काटे, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है ना, इसलिए था मैं धोखा लग रहा है। तो जल्दी से शाम का टाइम आते थे कि गोभी हमारी मुर्गी खा गई है, दो मुर्गियां तो आधी तो गोभी खा गई है, खैर आधी रखी है, इंशाल्लाह हमारा गुजारा चल जाएगा। अल्लाह हाफिज़, अक्सा कहती है अल्लाह हाफिज़। अच्छा दुआ तो मांगो गन्ना, मुझे तो अल्लाह हाफिज़ कर दे, अल्लाह हाफिज़ अक्सा, अल्लाह हाफिज़। अरे इधर देखो इधर, अल्लाह हाफिज़। तो माशाल्लाह से सारे निकले निकले आलू को जो है ना मैंने सिलाई कर लिया, ये देखे यहाँ पे सब इकट्ठे हुए बैठे हैं। तो अब जो है ना इसकी करती हूँ कटाई, तो बाद में जो है ना किचन की करूंगी सफाई। तो माशाल्लाह से किचन में पहुंच चुके हैं, तो अब जो है करते हैं किचन की सफाई, तो बाद में जब सामान वगैरह रेडी करेंगे तो बताना चाहते हैं। तो माशाल्लाह से सामान किचन की सफाई मुकम्मल कर दिया है, अब जो है सामान वगैरह भी रेडी कर दिया, देखे कि मिर्चा जो है ना हमारी खत्म हुई पड़ी, तो साथ जो है ना मिर्चा भी ले आए हैं, और जो है ना सारी चीज़ें आग भी जला दिया, देख के चूल्हा भी चला दिया, आप जो है इसमें घी ऐड करते हैं। आज जो है ना घी का डब्बा भी देखे खाली हो गया है, तो इंशाल्लाह काल जो है ना घी भी नया लेंगे, और जो है सब्जी भी, तो घी हमारा गर्म हो जाए, तो इसे बाद में जो है इसमें करेंगे हरी मिर्ची, हरी मिर्ची नहीं सिर्फ टमाटर है। माशाल्लाह से टमाटर ऐड करते हैं, कैसे दिखते हैं मिक्स करते हैं, तो अब जो है इसमें करते हैं लाल मिर्ची ऐड। अच्छा। लाल मिर्ची पहले जो है मैं डिब्बे में डाल देती हूँ, तो बाद में जो है देसी में ऐड करूँगी, क्योंकि ज़्यादा है ना चापक से जो है ना कहीं भी ना जाए। ये कितने किलो आए हो? 50 की जी, मुझे अंदाजा लग गया, देखो
मुझे ऐसा लगे जैसे 50 मिनट के, क्योंकि पहले अभी जान लेकर आते थे ना जी। टमाटर से जब मैं ऐड कर दिया, लाल मिर्च डाल देना तो करते थे, टेस्टी में पता नहीं कड़वी भी है या मीठी है। लाल मिर्च भी हमारी ऐड हो गई है, इसे अच्छे तरीके से तड़काते हैं तो बाद में जो इसमें करेंगे गोभी और आलू है। मच्छर से आलू ऐड कर दिया और जो मिक्स भी कर लिया है, अब जो इसमें करते हैं गोभी ऐड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गोभी भी ऐड कर दिया और जो इसे अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं तो इसको जो है लगाते हैं दम। बाकी का काम जो है ना इंशाल्लाह करते रहेंगे। तो मच्छर से सालन जो है हमारा कुछ रेडी हो चुका है, तो कुछ जो रहता है मैं जब तक जो है हमारा सालन रेडी होता है तो मैं जो है लहसुन वगैरह तोड़ लूँ। थोड़ा सा लहसुन तोड़ लिया, इतने काफ़ी है ये देखें, क्योंकि लहसुन तो हमारा घर पे हो गया है, आज बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मच्छर से सालन जो है ना हमारा कुछ रेडी हो चुका है, तो हमने सोचा चलते हैं अपनी ज़मीन में तो जो है ना कुछ काम भी शेयर कर देंगे, और जो है सब्ज़ी पत्ती तोड़नी है वो भी तोड़ेंगे आज या साथ। यहाँ पर देखें गंदम भी बहुत ज़्यादा हुई पड़ी है, तो एक बार तो जाना उसने छटा था हमारी मुर्गियां खा गई, अब जाना दूसरी बार जाना दाने डाले हैं, अब जाना कुछ हो गई। अब हम चलते हैं अपने जाना जमीन में, वहां पे जाना जो लहसुन उगाया था और जाना मशीन उगाया था वो भी जाना वो करेंगे, दिखाएंगे कि जमी हुई है कि नहीं। मसल जमीन में जाना पहुंच चुके हैं, यहाँ पे देखे कितना क्यारी बनी हुई, इतना कोई रहा रास्ता था, अम्मी ने जाना ये देखे लहसुन उगा दिया यहाँ पे, और जाना वो जो क्यारी में उगाया था वो चल के देखते हैं पता नहीं जमा हुआ है कि नहीं जमा हुआ। ये है हमारा लहसुन, ये देखें ये लहसुन हमारा कुछ जो है ना जमा हुआ है, ये देखे नसूर है, कुछ निकाला हुआ है, पता नहीं नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखें ये क्यारी खाना बनी हुई है, पनीरी की जो है ना प्याज जो उगाएंगे और टमाटर जो है ना उगाएंगे हम, तो ये पोठे भी अबू का सारे निकाल के हैं, ये जो है ना मूंग ठहरा था और क्या कहते हैं खज्जी का, और यहाँ पे दिखा रहे हैं इसको जो ना हमने आग लगा दी, हमने कही आग में जो है ना कंडा बना हुआ है, इसको जो ना आग लगे ये जल जाएगा तो ज़मीन सीधी हो जाएगी। तो ये पोठे जो ना कल सारा दिन शाह साहब और साहब ने और अबू ने मेहनत की है, ये जो ना बनाया है सारे दिन आज बन गए हैं, तो कल परसों तक इंशाल्लाह जब जो है ना बरसीन को पानी लगाएंगे तो वो जो है ना प्याज उगाएंगे इंशाल्लाह, शेयर करेंगे और बीज। अभी जो ना थोड़ी मौसम जो है ना नहीं है, अगले माह में जो है ना हम उगाएंगे प्याज। तो मसलों से आप चलते हैं घर की तरफ, तो जो घर का काम होगा इंशाल्लाह शेयर करेंगे, तो हमने सोचा बाहर का व्यू भी देख लेंगे और प्यारे बहन भाई को भी दिखा देंगे व्यू, चेक कर रहे हैं प्यारे बहन भाई को कैसा है। अब तो वैसे शाम का टाइम हो चुका है, पता नहीं कैसा नज़र आ रहा होगा बाहर का नज़ारा। तो माशाल्लाह से यहाँ पे देखे शहतूत हमारा कितनी ही प्यारा हुआ पड़ा है, पहले जो ना इतनी छोटा था तो हमने उगाया था, तो अब जो है ना काफ़ी बड़ा हो गया, जब खुद जब बड़ा होगा तो शहतूत वगैरह उठाएगा, तो पता नहीं प्यारे बहन भाई को ना पता होगा शहतूत का, जब मैं बस बता रही हूँ, तो ये जब जो है ना शहतूत उठाएगा तो इंशाल्लाह सबको बुलाएंगे खाने के लिए, ये खाने की चीज़ है शहतूत। काफ़ी बहन भाइयों को पता नहीं होगा क्योंकि शहर में रहते हैं तो गाँव के माहौल का किसी को पता होता है किसी को नहीं होता। हाँ अब जो है ना चलते हैं घर। तो माशाल्लाह से यहाँ पे देखो रुक के सिस्टर जो है ना आटा गूंद रही है, गूंध लिया है आटा जी, कुछ तो गूंध लिया कुछ रहता है। अच्छा जल्दी करो, शाम का टाइम हो चुका है तो रोटी जो है ना बनाते हैं। सही है जी। अक्सा यहाँ पे देखे खेल रही है, हाँ खेल रही हो, मुंह में क्या डाला हुआ है अक्सा, शापर नहीं खाओ अक्सा। तो माशाल्लाह से सावन जाना हमारा रेडी हो चुका है, तो मैंने सोचा रुक कैसे तक जाना जब तक आटा गूंधे मैं जगह वगैरह बना दूं, तो बाद में जाना आटा कुछ रास जाएगा तो फिर जो ना रोटी बनाना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हमारी जगह जो ना बन चुकी है, यहाँ से थोड़ी तेज ही लग रही है, यहाँ पे जो ना आज बिस्तर मैंने नहीं रखा क्योंकि यहाँ पे जो ना सुराख है पतली साइड में, तो इसलिए जो ना मैंने नहीं रखा,
कोई जना कीड़ा वगैरह ना पहे, वो जना बिस्तर में पहे जाए। तो अपनी जगह तो मैंने बना ली, आप जना रहते हैं सब बेटी की। ये दो ऐसा किचरा करके यहाँ रखती हूँ, और जो है ना ये यहाँ, और उसके बाद जो है रजाई हमारी ये है। हैप्पी बर्थडे को पता नहीं क्या हुआ, उड़ रही है, खुश हो गया। बस ऐसे जगह तो बना लिया, आप जो ना इसको साथ में मिला लेती हूँ, क्योंकि अक्सर रात को उठती है ना तो गिर ना जाए। वैसे तो मैं साथ में होती हूँ, सारे कमरे की सेटिंग तो माशाल्लाह से जगह वगैरह जो है ना बना लिया है। तो अब जो है ना चलती हूँ, खाना वगैरह भी बनाती हूँ, बाहर के बल्ब जो है जला हुआ है, बाहर जो है ना सोचला है, अब जो है ना रोटी बना लेंगे। तो शायद सब जो है जब जो है ना आएंगे तो फिर जो है सब खाना स्टार्ट करेंगे।